हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्क्रब की जो आपके पूरे बॉडी को एक ही दिन में गोरा कर देगा। मींस आपकी अगर सन टैन है कोहनी पे, गर्दन पे, टांगों पे, पैर पे, मुंह पे या कहीं पे भी बॉडी पे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों के दिन हैं, बहुत ज़्यादा पसीना होता है, बहुत ज़्यादा सन टैन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, आपके स्किन का कलर जो है डार्क होने लगता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, स्किन वाइटन करने के लिए, आपके रंग को निखारने के लिए ये रेमेडी है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करूँगी, आपको बताऊँगी किस तरह से बनाना है, किस तरह से लगाना है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे तो इसे शेयर करिएगा। नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहला और मेन इंग्रेडिएंट हमारा है रेड लेंटिल, वो है मसूर की दाल। मसूर की दाल बहुत ज़्यादा अच्छे स्क्रब के जैसे काम करता है। मसूर की दाल में प्रोटीन होता है, ये आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फेस पैक या बॉडी स्क्रब अगर कोई भी मार्केट का आप लेते हैं तो भी इसमें, उसमें भी इसके इंग्रेडिएंट को यूज़ किया जाता है। ये आपके ब्लेमिशेस को रिड्यूस करता है, आपकी सन टैन को रिमूव करता है, आपके पिंपल्स, एक्ने, ऑयली स्किन सबके लिए ये अच्छा होता है। ये आपकी किचन में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। रेड लेंटिल हमने लेना है, छिलका उतरा हुआ जो दाल होती है वही लेनी है, और उसके बाद हमने इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने आधी कटोरी रेड लेंटिल को, मसूर की दाल को रात को भिगो के रख देना है पानी में, और सुबह सॉफ्ट दाल को हमने ब्लेंड करना है, अच्छे से पीस लेना है मिक्सी में, और इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। फाइन सा पेस्ट हम बनाएंगे, और ये जो दाल है ये आप फेस पे, नेक पे, बॉडी पे, हर जगह लगा सकते हैं, और ये बच्चों में भी यूज़ किया जा सकता है। स्क्रब आप बच्चों पे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे जैसे कि बाहर खेलते हैं, गर्मियां हैं और हाथ पैर बहुत काले होने से लगते हैं, तो आप इसको उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इसमें आपने क्वांटिटी लेनी है अपने अकॉर्डिंग, और इसको अपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, और ये ही हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। ये ज़रूरी है, आप इसको मिस नहीं कर सकते, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट हम डालेंगे वो हम डालेंगे बेसन, बेसन ग्राम फ्लोर। ये भी बहुत ही अच्छा पाउडर है आपके स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए, आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, साथ ही साथ आपके ऑयल को निकालने के लिए, और आपके स्किन को अच्छे से स्मूथ टेक्सचर देने के लिए, अगर आपको सन टैन हो गई है तो उसको रिमूव करने के लिए, और आपके बॉडी को, स्किन को अच्छे से नरिश करने के लिए। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपने लेना है यहाँ पे बेसन और ऐड कर देना है उसको हमने मसूर की दाल में। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमने लेना है टर्मरिक, वाइल्ड टर्मरिक मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। हल्दी हमने लेनी है, और ये आपके स्किन में ब्लीचिंग इफ़ेक्ट्स देता है, साथ ही साथ आपके स्किन को निखारता है, आपके जो कलर है, रंग है, उसको निखारेगा, और आपकी जो स्किन टोन है वो इम्प्रूव होगी, और साथ ही साथ चमकदार भी होगी। तो इसको यूज़ करने से ये एंटीबैक्टीरियल के जैसे काम भी करता है। अगर एक्ने की प्रॉब्लम है तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। उसके बाद हम यूज़ करेंगे कर्ड। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, आपकी स्किन को, इम्प्योरिटीज़ को रिड्यूस करता है, और साथ ही साथ ये जो हमने स्क्रब बनाया है ये बहुत ही अच्छा बॉडी वॉश के जैसे काम करेगा। आप इसमें, इसको यूज़ करने के बाद आपको बॉडी वॉश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको अच्छे से आप पेस्ट बना लीजिए, और इस तरह से पेस्ट बनाना है कि आप अच्छे से इसको स्क्रब कर पाएँ। और ये जो है बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, आपने इसमें उतना दही डालना है जितना कि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए और आप इसको अप्लाई कर पाएँ। ना इसको यूज़ करने के लिए आपने अप्लाई करना है बॉडी पार्ट्स पे, और उसके बाद आपने स्क्रब करना है। मैं यहाँ पे आपको डेमो दिखा रही हूँ फेस का, कि हमने फेस पे इसको अप्लाई करना है और इसको स्क्रब करना है। स्क्रब करना है आपने कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। आप इसको यूज़ कर सकते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार। अगर आप फुल बॉडी पे इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ फेस पे इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है माइल्ड स्क्रब का काम करता है, आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करेगा, एक्ने, पिंपल, ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स सबको रिड्यूस करेगा, आपकी स्किन को नरिशमेंट देगा। नेचुरल इंग्रेडिएंट है तो आपकी स्किन में ऑटोमेटिकली ग्लो भी आएगा, और जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं आपके स्किन को ब्लीच करने के लिए, स्किन को ग्लो करने के लिए और निखारने के लिए अच्छी हैं। तो आप इसको कंटिन्यूस यूज़ करिए, फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको इसका असर दिख जाएगा। ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।